कांग्रेस के नेतृत्व में जब से 26 विपक्षी दलों का गठबंधन बना है तभी से देश में प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स और तेज हो गई है और सबके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार है। फर्जी खबरों की बाढ़ सी आ गई है। हद तो तब हो गई जब देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नाम से एक बयान वायरल किया गया। हंगामा खड़ा हो गया और इस मामले का संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट के PRO ने इस बयान को फर्जी बताते हुए कहा कि वायरल करने वालों पर कानून के हिसाब से कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके संज्ञान में आया कि एक सोशल मीडिया पोस्ट DY चंद्रचूड़ की फाइल फोटो के साथ वायरल की जा रही है जिसमें जनता को सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया कि हम भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं लेकिन इसके लिए आपका सहयोग भी काफी आवश्यक है। सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, सरकार से अपने अधिकारों को लेकर सवाल करने चाहिए। ये तानाशाह सरकार लोगों को डराएगी, धमकाएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको साहसी बनकर सरकार से सवाल पूछना है। मैं आपके साथ हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये पोस्ट न सिर्फ फर्जी है बल्कि गलत इरादे वाली और शरारतपूर्ण भी है। न तो CJI ने इस तरह का कोई बयान दिया, न ही ऐसा कोई पोस्ट जारी किया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। इन सब के संबंध में जांच एजेंसीज के साथ तालमेल कर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से दी गई। कईयों ने सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद लिखकर इस पोस्ट को शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अतुल कुरहेकर ने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में व्हाट्सएप के माध्यम से CJI DY चंद्रचूड़ के नाम से ये बयान शेयर किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से फर्जी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इसे फर्जी बताते हुए कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई CJI ऐसा नहीं करेगा, खासकर DY चंद्रचूड़ जैसे प्रेरक मुख्य न्यायाधीश से साफ हो गया है कि इस मैसेज को मोदी विरोधी एजेंडे के तहत शेयर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।